आज तक जो एडी कर रहे थे उनकी खुद की सीढ़ी आज बाहर आई है। एक आदमी को ऐसी स्थिति में देखना किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगेगा। वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के हिसाब से ही ईडी करते बाहर लेके आए। जो नेता है जो बीजेपी में चले गए उनकी सब कार्रवाइयां रुकाई गई। तो उनकी सत्ता है, उनके गृह मंत्री है, वीडियो में कितनी सच्चाई है ये दिखाएंगे कि नहीं पता नहीं है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। किरीट सोमैया के विरोध में आज थाने में ठाकरे गुट के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की एक न्यूज चैनल के जरिए कथित अश्लील क्लिप सामने आई है। इसी को लेकर आज थाने में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की गई है। विरोध प्रदर्शन राजन विचारे के नेतृत्व में किया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में राजन विचारे और केदार दिघे और महिला कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। तो व्हायरल झालेला आहे एकंदरीत। वारंवार ते विरोधकांवरती ईडी किंवा असं एंगल अशा प्रकारे धाड टाकण्या प्रयत्न करत होते, काय सांगाल व्हिडिओ समोर आलेला आहे? मला वाटतं ही निंदनीय बाब आहे आणि या संदर्भामध्ये या राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आम्ही विनंती करत आहोत की या व्हिडिओची तातडीने हे करून त्या संबंधित व्यक्तीला या ठिकाणी कारवाई करावी आणि ह्या सर्व गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आधी इथे जमलो। अनेक मंत्र्यांनी त्यांनी आरोप केले होते आणि त्याच्यानंतर स्वतः त्यांचा आता व्हिडिओ समोर आलेला आहे एकंदरीत। मला असा व्हिडिओ हा तुमच्याच वाहिनीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व लोकांनी बघितलेला आहे आणि तो व्हिडिओ बघता एखाद्या लोकप्रतिनिधींनी कसं वागायला पाहिजे आज संपूर्ण हे पूर्ण देश बघतोय आणि या गोष्टीचा निषेध व्हायला पाहिजे। लगातार विरोधियों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अनेक मंत्रियों को जिस तरीके से जेल में डालने का प्रयत्न किया गया, आज खुद उनका वीडियो सामने आया, क्या लगता है आपको इसके बारे में? उन्होंने कभी भी जो भी उन्होंने कारनामे बाहर लाए दूसरे नेताओं के वो कभी पूरे नहीं किए, वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के हिसाब से ही ईडी करते बाहर लेके आए और बाद में वो जो नेता हैं जो बीजेपी में चले गए उनकी सब कार्रवाइयाँ रुकाई गई। आज तक जो ईडी कर रहे थे उनकी खुद की सीढ़ी आज बाहर आई है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही निषेधार्थ है, उसे निंदनीय है और जो लोकप्रतिनिधि जो लोगों को दिशा देता है जो समाज को दिशा देता है वो इस तरीके के अगर काम करता रहेगा तो उस पर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे थे जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को तोड़ने में सबसे अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई तो किरीट सोमैया ने निभाई थी, आज उनका वीडियो सामने आया, ये वकीलों के नाते क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? आप देखोगे अभी भारत की वस्तुस्थिति ऐसी है कि सभी को अपनी व्यक्तिगत लाइफ जीने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन उसको रखते हुए नैतिकता भी जपनी बहुत ज़रूरी है, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ है आप देखोगे तो उसमें जो सत्ताधारी पक्ष के बड़े नेता है उनका ये वीडियो है। अभी हमें देखना है कि गृहमंत्री इसके खिलाफ़ क्या करना चाहेंगे। अभी आप देखोगे IPC 509 ये सेक्शन उन पर लग सकता है, क्योंकि अगर हम वो वीडियो देख रहे हैं TV पे भी देख रहे हैं, वायरल देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो जो भी महिला है उनको मन में ऐसे लज्जा उत्पन्न होने वाली चीज़ होती है, तो एक देख के अच्छा नहीं लग रहा, भले वो कोई भी हो, एक आदमी है और महिलाओं को ऐसी स्थिति में उनको मतलब एक आदमी को ऐसी स्थिति में देखना किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगेगा। और आप देखोगे तो IT सेक्शन है, IT कायदा है उसके मेरे ख्याल से सेक्शन 67 वो भी अगर देखोगे तो उन पे वो लग सकता है, लेकिन अभी हम सेक्शन नहीं बताएंगे, वो पुलिस है, उनकी सत्ता है, उनका सब चल रहा है। लास्ट टाइम भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि मॉब बताया गया, तो अगर उनके खिलाफ कोई वीडियो जाता भी है तो भी उनकी सत्ता है, उनके गृह मंत्री है, तो वीडियो में कितनी सच्चाई है ये दिखाएंगे कि नहीं पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है।